हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं जा रहा हूँ बाइक की डिलीवरी लेने, जो कि बहुत स्पेशल बाइक है। वो भाई लेंगे, वो गन्ने का जूस पी रहे हो भाई, तो वो लेंगे। तो अभी चलते हैं हम रॉयल एनफील्ड के जो शोरूम है उनके पास, उसके पास ही खड़े हैं। मम्मी पापा का वेट कर रहे हैं, बस वो आ जाएं उसके बाद चल लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो यहाँ से, तब तक जूस का एंजॉय करते हैं, जूस पी के मिलते हैं फिर। तो गाइस आ गए हम लोग गन्ने का जूस पी के। ये रॉयल एनफील्ड का शोरूम और हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है, तो चलते हैं अंदर। आज डिलीवरी लेनी है बाइक की, अभी दिखाता हूँ कौन सी बाइक है। हम हैं शोरूम के अंदर और ये ऐसा कुछ शोरूम है, ये ओखला फेस टू है, यहाँ पड़ता है। और मुझे बुलेट में जो सबसे अच्छी बाइक लगती है वो ये लगती है, ये वाली है जो कॉन्टिनेंटल है, GT 650। ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। और लेकिन बुलेट का एक पार्ट है जो मुझे अच्छा नहीं लगता, जैसे ऑन किया अब तो आने लग गए हैं कि पेट्रोल का दिखाते हैं कितना पेट्रोल बचा हुआ है। जैसे इलेक्ट्रा हो गई, उसमें इतना कुछ शो नहीं होता है, अब इन्होंने अपडेट दे दिया है तो वो बढ़िया है। बाकी अपडेट भी दिखाता हूँ मैं, जैसे क्लासिक 350 ये वाली हो गई बाइक, इसमें भी अपडेट दे रखा है, इसमें भी अपडेट दे दिया, नया इंजन है, रिफाइन इंजन है। गाइस आप बताना कि आपको बुलेट में कौन सी अच्छी लगती है, वो क्लासिक या क्लासिक 350 सिंगल चैनल ABS या फिर ये वाली पुरानी जो चलती आ रही थी, जो बचपन से हमने देखी है, वो है ये वाली, वो है ये इलेक्ट्रा। तो इलेक्ट्रा में ये मुझे पसंद नहीं था, इलेक्ट्रा में जब इसको ऑन करते हैं ना तो फ्यूल का कुछ नहीं दिखाता है, तो ये मुझे पसंद नहीं है। बाकी जो न्यू अपडेट्स आए हैं वो बढ़िया हैं। तो असद भाई ये बताओ कितने की पड़ी तुम्हें बुलेट? तो मेरे को पड़ी भाई 2,25,000। 2,25,000 की? एक्सेसरीज कुछ नहीं ली ना तुमने? एक्सेसरीज कुछ नहीं लिया मैंने, सब कुछ रिमूव करवा दिया, लाइक कार्ड और एक्सेसरीज बाहर से लगवाओगे मतलब बेसिकली? मैं यहाँ पे मतलब कॉस्टली नहीं बोलेंगे, बट मेरे को आइडिया नहीं है इसके बारे में, इसलिए मैंने रिमूव करवा दिया। तो तुम्हें बाइकों में बुलेट पे ही क्यों जाना था, जैसे R15 भी हो गई ऐसे कुछ? तो तुम लद्दाख हैवी व्हीकल पसंद है या वैसे? नहीं नहीं, लद्दाख लॉन्ग टूर पर जाने के लिए भाई हैवी गाड़ी बन चाहिए। Yamaha R115 हो गई, वो पहाड़ों पर चल नहीं सकते हैं, इसमें ट्यूबलेस टायर है, इसमें चलने में कंफर्टेबल है। फर्स्ट ऑफ ऑल गए अपना लॉन्ग ड्राइव है, 1500 किलोमीटर है अपना, कंफर्टेबल है, 400-500 किलोमीटर कंटिन्यू चला लेगा आदमी, जिससे बाइक वो है कि ये चल जाएगी। इस वजह से मैंने ये। तो 2,00,000 कितने की? 2,25,000 रुपये। 2,25,000 रुपये की तो ये है कहानी। बाकी अब गाड़ी को देखने के बारी, मैंने अभी तक बताया नहीं आपको गाड़ी कौन सी है, वेट करो थोड़ा सा वेट करो, फिर मैं डिलीवरी दिखाता हूँ। अभी पेपर वर्क हो रहा है, वो हो जाए उसके बाद दिखाऊंगा मैं। ये ऑन रोड प्राइस देख सकते हो ये और इनके नाम, तो मैं फोकस करके आपको एक बार दिखा देता हूँ। ये है, आप पॉज करके देख लेना ये सारे प्राइस इसके, और इसके बाद हम लेते हैं डिलीवरी बाइक की। तो गाइज ये सारी हैं बाइकें, और इन बाइकों में आपको कौन सी बाइक पसंद है, क्लासिक 350 ये सब सारी बाइकें हैं, कौन सी पसंद है कमेंट करके बता। नई गाड़ी के साथ क्या क्या दे रहे हो आप? हेलमेट वगैरह साथ में, हेलमेट मिलेगा। हाँ ठीक है, कुछ अपनी तरफ से आप क्या क्या दे रहे हो? अपनी तरफ से तो गिफ्ट होता है, वो भी देंगे हम आपको। अच्छा, अभी वो भी रिवील करेंगे, अभी पता नहीं है। केक मारुति में केक नहीं कटता पता तेरे को? चॉकलेट दे देते हैं, वो बहुत कम जगह होता है, ये होता है BMW मर्सिडीज वगैरह, घूम के डरता है फिर उसके बाद करते हैं। ओ ये कुछ दिख रहा है मुझे, हेलमेट है ना? चलो हेलमेट दिखा दो कौन सा मिल रहा है। अच्छा ये वाला हेलमेट मिल रहा है, बाइक से मैच कर रही है क्या? नहीं, हाँ मैच कर रही है, ये हेलमेट मिला है, सही है ये हेलमेट, अच्छा है। अभी कुछ गिफ्ट भी मिलेगा ऐसे बोल रहे हैं। स्प्लेंडर की जगह तुम यहाँ आ गए रॉयल एनफील्ड में, 2-2.5 लाख दे दिया, मेरा ड्रीम था। अच्छा कार 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 का नहीं सोचा तुमने? कार लेके मैं लद्दाख जाऊँगा। मतलब जा सकते हो वैसे तो, फिर वो फॉर्च्यूनर लेनी पड़ेगी या वैसे लेनी पड़ेगी, थार लेनी पड़ेगी। और इन्होंने वैसे लद्दाख जाने के लिए कौन कौन सी बाइकें की? हाँ आप जा सकते हो, एक ये की वो की
और एक हिमालयन। तो एक हिमालयन हो गई, एक ये हो गई क्लासिक 350 हो गई, और एक ये इंटरसेप्टर हो गई। तो ये बोल रही है, तो इन तीनों में से ही है कोई बाइक। हटा दे तेरा रिबिन, हटा दे भी नहीं जा रहा भाई, वेट नहीं किया जा रहा है, बस जल्दी से पर्दा हटाने को रेडी है सच्चाई से। ए, ए अभी रुक जा अभी रुक जा, आने दे सबको फिर लद्दाख ट्रिप मार लेना अगली अगली ट्रिप भी लद्दाख है अच्छा घर वालों को नहीं बताना है, ये मम्मी पापा बैठे हुए हैं पेपर वर्क करा रहे हैं। अरे हाँ एक स्टोरी, ये भाई ना ये आए थे, इनको बोला कि इनके पापा ने बोला कि स्प्लेंडर लेके आ दो, और ये खड़ी स्प्लेंडर रॉयल एनफील्ड के शोरूम में, देखो बुलेट की मतलब स्प्लेंडर की जगह ये ले ली इन्होंने। क्लासिक 350 हेल्सन ब्लैक, और इसका इंजन का स्पेसिफिकेशन मैं यहाँ पर डाल दूँगा स्क्रीन पे। और सबसे बढ़िया बात, जो इंजन का फ्यूल टैंक है वो दिखा रहा है कितना पेट्रोल बचा है इन्हीं, जो इलेक्ट्रा है उसमें नहीं दिखता है, बाकी आप आवाज़ सुन सकते हो कैसे आएगी। तो चलान की कोई डर नहीं है ऐसा कुछ, और ये बाइक ऐसी कुछ दिखती है, ये है बाइक भाई। तो कमेंट करके बताना गाइस कैसी लगी। तो भाई पुलिस वाले भी हैं यहाँ पे साइलेंसर चेक करा लेते ये वाला सही है यानी चलान को भी डर। तो भाई ये कलर तुम्हें फेवरेट था ना, तुम्हारा कलर ढाई लीटर तेल दिया है, बाकी इसकी डिलीवरी हो गई है, आप यहाँ विजिट कर सकते हो अगर आपको बुलेट लेनी है तो, कोई भी रॉयल एनफील्ड की बाइक। तो यहाँ पे है श्री राधे गोविंद यहाँ पे मेंशन है, और ये है ये थी बाइक और क्लासिक 350, ठीक है। ये बाइक बहुत बढ़िया है, अभी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है लेकिन अभी ले जा सकते हैं। तो गाइज़ अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, और कमेंट करके बताना कि आपको बुलेट कैसी लगती है, अगर आपको स्पोर्ट्स बाइक ज़्यादा अच्छी लगी तो वो भी कमेंट करना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, नया नया चैनल है। और मैं कार की बाइक्स की भी हो सके तो मैं अपडेट्स देता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कॉन्ग्रेचुलेशन बाइक को, बाकी ये सारी चीज़ें सिखा रहे हैं कि क्या क्या होती हैं क्या क्या नहीं होती हैं। और बाकी मम्मी पापा चले गए क्योंकि उनको जल्दी हो रही थी, थोड़ी शॉपिंग करनी है उन्हें, ईद भी है कल तो भाई ईद मनाएंगे। ईद की ये है, ईद का सरप्राइज़ ये है इनके लिए, इनके लिए क्या सरप्राइज़, हमारे लिए सरप्राइज़ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है असद भाई निकलते हैं, मिलते हैं हो सकेगा तो कल, ईद की पार्टी लेंगे तुम सर इसकी भी ठीक है बाय बाय। तो अब हम चलते हैं अपनी गाड़ी में और निकलते हैं घर।